हेलो फ्रेंड्स, छह माता दी कैसे हैं आप सब। आषाढ़ माह की एकादशी है, शुक्ल पक्ष की एकादशी है, देवशयनी एकादशी, तो कहीं प्रबोधिनी एकादशी, कहीं हरिशयनी एकादशी आदि के नामों से जाना जाता है। अत्यंत ही पवित्र तिथि है और तन मन धन की पवित्रता को बनाए रखने का आज के दिन पूरा प्रयास करना चाहिए। वचन की थोड़ी सी भी अशुद्धि आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। बताया गया है कि एकादशी की तिथि को कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से नहीं, और खासकर ये जो हरिशयनी एकादशी आती है या पद्मा एकादशी आती है, इस एकादशी से लेकर अगले चार महीनों तक श्री हरि विष्णु पाताल लोक में निवास करते हैं, जिसे हम योग निद्रा कहते हैं। और फिर इसके बाद देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन उठते हैं, वापस वैकुंठ धाम में पधारते हैं और सभी शुभ कार्य का आरंभ होता है। ये चार महीने चातुर्मास के नाम से जाना जाता है और किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार हैं इस दौरान उत्पन्न होते हैं। देखा जाए तो प्रकृति में इन चार महीनों में सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेज कम रहता है, शुभ शक्तियां कमजोर हो जाती है और इसीलिए कार्यों के परिणाम का भी शुभ फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए चातुर्मास में एक स्थान पर रहकर निवास करना, जप करना, तप करना, आराधना करना ये किया जाता है। दोस्तों, इस दिन आप जो भी थोड़ा बहुत भी पूजा पाठ करें, अगर भगवान विष्णु की दीप जला करके, घी का दिया जला करके पूजन करें, तो इससे मनुष्य के जीवन में उसे सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और माता लक्ष्मी का घर में आगमन बना रहता है। सुबह सुबह भगवान, या दिन में कभी भी आप चाहे, पूरा दिन आज बहुत ही शुभ मुहूर्त है, तो विष्णु भगवान की सोने, चांदी, पीतल या तांबा जो भी है, उस मूर्ति को पीताम्बर से सजाकर, यानी पीले वस्त्रों से सजाकर, आप चाहे तो उनका अभिषेक कर सकते हैं पंचामृत, और उसे सजाकर, सफ़ेद वस्त्र से सजाकर तकिया तथा बिस्तर वाले छोटे से पलंग पर शयन करा सकते हैं। इसके बाद कुछ खास मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए ये जो चातुर्मास आएगा, इन महीनों में कुछ चीज़ों का त्याग भी किया जाता है। बताया जाता है कि धन धान्य की कमी नहीं रहती अगर एक मंत्र का आज के दिन जप किया जाए, और वो है सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम विबुद्धे त्वयि बुद्धम च जगत सर्वम चराचरम। इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। व्रत के दौरान भगवान विष्णु और पीपल के वृक्ष की पूजा भी की जाती है, इससे भी विशेष लाभ मिलता है और इसको करने से सुख शांति का वास होता है। विष्णु सहस्रनाम का पाठ आज के दिन जरूर करना चाहिए, इससे भी मनुष्य के जीवन की, खासकर सभी प्रकार की समस्याओं का अंत होता है। वैवाहिक संबंधी समस्याएं हैं तो उसका अंत होता है, और इस स्तोत्र में लक्ष्मीपति नारायण के 1000 नाम दिए गए हैं। कुछ काम हैं जो आपको देवशयनी एकादशी के दिन विशेष रूप से नहीं करने चाहिए, खासकर 11 काम बताए जाते हैं, इसलिए भूल से भी ना करें। दिन आपको अपने घर पे झाड़ू आदि नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है इससे सूक्ष्म जीव मरते हैं, पाप लगता है, लेकिन पॉसिबल हो तो पोछा लगवा लें, सिर्फ आज के दिन घर में झाड़ू ना लगाएं। कहा जाता है सुबह जल्दी उठना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए इस दिन कि आज मैं चोर हो, पाखंडी हो, दुराचारी मनुष्य हो, इनसे बात नहीं करूंगा और ना किसी का दिल दुखाऊंगा, गौ हो, ब्राह्मण हो, इन सभी को फलाहार और अन्न आदि देकर प्रसन्न करूंगा, रात्रि को जागरण करूंगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश अक्षर मंत्र का, अपने गुरु मंत्र का जप करूंगा, राम हो, कृष्ण हो, नारायण हो, इन सभी को विष्णु सहस्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा, और ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री विष्णु भगवान का स्मरण करें, हे प्रार्थना करें, हे त्रिलोकी नाथ, मेरी लाज आपके हाथ है, अतः मुझे इस संकल्प को पूरा करने की आप शक्ति प्रदान करें। मौन हो, जप हो, शास्त्र पठन हो, कीर्तन हो, रात्रि जागरण हो, एकादशी व्रत में विशेष लाभ पहुँचाते हैं। और भूलवश अगर किसी नंदक से इस दिन बात हो जाए, तो इस दोष को दूर करने के लिए भगवान सूर्य के दर्शन करना, धूप दीप से श्री हरि का पूजन करके क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी की रात है, सोना नहीं चाहिए, पूरी रात जागकर कीर्तन कीजिए, भगवान विष्णु की प्रतिमा हो, तस्वीर हो, उसके निकट बैठकर भजन कीजिए, जागरण कीजिए, इससे विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। एकादशी को बिस्तर पर नहीं, जमीन पर सोना चाहिए। इस दिन मंजन भी नहीं किया जाता है, ऐसा कोई शास्त्र में लिखा नहीं है, पर जनरली कहा जाता है कि एकादशी की तिथि को मंजन नहीं किया जाता है, और लकड़ी का दातुन या पेस्ट का उपयोग भी नहीं किया जाता। कहा जाता है नींबू, जामुन, आम के पत्ते लेकर चबा ले और उंगली से कंठ शुद्ध कर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा सा मंजन लेके उंगलियों से करें ये अच्छा होता है।
इस व्रत में नमक खाना, तेल तेल की चीज़ें खाना, चावल खाना, जौ खाना ये वर्जित बताया गया है। सेंधा नमक का सेवन इस दिन कीजिए। सेंधा नमक ऐसे भी सेहत के लिए अच्छा होता है और एकादशी तिथि पर जौ, मसूर की दाल, बैंगन, सेम फली, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन ये तामसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। किसी दूसरे का दिया हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए। इससे आपका जो भी व्रत का पुण्य होता है वो नष्ट हो जाता है। जीव हत्या महापाप होता है, इसलिए नॉनवेज तो बिल्कुल ना खाएं। इससे इंसान के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का जन्म होता है और सभी कार्य बिगड़ने लगते हैं। एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित बताया गया है। इससे मनुष्य का मन चंचल होता है, प्रभु भक्ति में मन नहीं लगता। और कहा जाता है चावल खाने वाला व्यक्ति रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म लेता है। पौराणिक कथाएं भी आती है कि माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने शरीर का त्याग किया और उनके अंश पृथ्वी में समा गया, जो कि चावल और जौ के रूप में महर्षि मेधा उत्पन्न हुए, इसलिए इनको जीव ही माना जाता है। ऐसे भी चावल में जल तत्व की मात्रा अधिक होती है और जल पर चंद्रमा का प्रभाव अधिक होता है, इसलिए चावल खाने से शरीर में जल की मात्रा बढ़ती है, जिससे मन विचलित होता है, चंचल होता है और हम व्रत के नियमों का पालन नहीं कर पाते। इस दिन पूजा पाठ करने के लिए कोई भी एकादशी को आपको पूजा पाठ करने के लिए साफ सुथरे वस्त्र पहनने चाहिए। धुले हुए वस्त्र पहने, काले और नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग ना करें। सभी प्रकार के शुद्ध और साफ पूजा पाठ सामग्री का ही उपयोग करें। गंदी संदी चीज़ें, बेकार से फैलाई हुई चीज़ें, पुरानी चीज़ें पूजा पाठ में यूज़ नहीं करनी चाहिए। भगवान को पूजा में पीले रंग के फूल चढ़ाएं, पीले रंग के फल चढ़ाएं, उनका श्रृंगार करें। पीले वस्त्रों से पीत वस्त्र कहा जाता है। थोड़ा सा इत्र लगाएं और किसी भी पेड़ पत्ती की फूल पत्ती इस दिन बिल्कुल ना तोड़ें। और एकादशी की शाम को आप तुलसी की पूजा, इस दिन महत्व बताया गया लेकिन जल नहीं डालते, इसलिए तुलसी के सामने सिर्फ गाय के शुद्ध घी का एक दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। 11 परिक्रमा कर सकते हैं अगर पॉसिबल है तो। इससे भी घर के सभी संकट, आने वाली परेशानियाँ टलती है। विष्णु भगवान की पूजा में जो भी भोग लगाएंगे, तुलसी पत्र आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए, लेकिन ये आज के दिन आपको नहीं तोड़ना है। पहले से जो भी टूटा हुआ है वो 11 दिन तक बासी नहीं माना जाता। आप तुलसी पत्र, पहले से तोड़ा हुआ तुलसी पत्र आप चढ़ा सकते हैं। कोई भी चीज़ आप भी ग्रहण करेंगे यानी भोग लगाएंगे या खुद को भी खुद खाएंगे, तो पहले वो चीज़ का भोग आपको प्रभु को लगाना चाहिए तुलसी दल छोड़ के, इसके बाद ही आपको ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास करें ना करें, लेकिन इस दिन संयम रखना बहुत ज़रूरी होता है। अशुद्ध द्रव्य, कोल्ड ड्रिंक आदि, ऐसा नहीं कि मैम ने बोला है कि लिक्विड पी सकते हैं तो कोल्ड ड्रिंक और जो भी आप पैक्ड फ्रूट जूसेस होते हैं रेडी वाले, वो सब डब्बा बंद जूस आदि आपको नहीं पीना चाहिए। दो बार भोजन नहीं करना चाहिए। आइसक्रीम हुई, तली हुई चीज़ें हुई ये ना खाएं। गोभी, गाजर, शलगम, पालक, कुल्फा का साग ये नहीं खाया जाता। घर में निकाला हुआ फल का रस लीजिए, थोड़ा दूध लीजिए, जल लीजिए, इस पे रहना आज के दिन लाभदायक बताया गया है। पान के शौकीन हैं तो पान, आज के दिन बाबा को पान चढ़ाना बहुत अच्छा माना जाता है। खीर का भोग लगाना अच्छा माना जाता है, लेकिन ये चीज़ें दान की जाती है, आज के दिन खुद को नहीं खाना चाहिए। पान खाना वर्जित बताया गया है। पान खाने से क्या होता है, मन में रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ती है, इसलिए एकादशी के दिन पान न खाकर मनुष्य को सात्विक आचार विचार प्रभु रखकर प्रभु भक्ति में मन लगाना चाहिए। एकादशी पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्रोध नहीं करना चाहिए। इससे मानसिक हिंसा होती है। अगर किसी से कोई गलती हो भी जाए तो उसे माफ़ कर दीजिए, मन को शांत रखें। देखिए जब हम दूसरों को माफ़ करते हैं तो पता है क्या होता है, हमारा अपना मन पीसफुल हो जाता है। हम जब दूसरे का क्रोध, दूसरे के ऊपर कोई गुस्सा आया वो, उसको भले हम नहीं कहते लेकिन मन ही मन अगर मन में भी क्रोध होता है तो क्या होता है, नुकसान हमारा होता है। इसलिए हमेशा मन को शांत रखना चाहते हैं तो दूसरों को माफ़ कर दीजिए। कोई भी गलती वो करें उनको जाने दीजिए, वो अपना कर्म खुद भुगतेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए। घर पर शांतिपूर्वक माहौल बनाए के रखें। अगर शांतिपूर्वक माहौल नहीं रहेगा, आप चिल्ला चिल्ली करते रहेंगे, एक तो आपका मन पूजा में नहीं, देवी देवता को भी अशांत हो जाएगा, मन चिल्लाएंगे आप और वो आए हुए लौट करके चले जाते हैं, इस बात का ध्यान रखें। इसलिए कभी भी जब हम देवी देवताओं का आवाहन करते हैं उस समय क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी की बुराई पर निंदा ये सब ना करें, किसी के लिए मन में कटु भाव ना रखें और भगवान विष्णु का ही पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसे करते हुए ध्यान करना चाहिए। चुगली करने से आपके मान सम्मान में कमी आती है, कभी हो सकता है आपको इसकी वजह से अपमान का सामना भी करना पड़े, इसलिए एकादशी के दिन क्या, कभी भी किसी की चुगली आपको नहीं करना चाहिए।
किसी प्रकार की हिंसा, जीव हत्या या किसी से मारपीट बिल्कुल ना करें। शरीर से नहीं, मन से भी आप चोट पहुंचा सकते हैं। इससे शरीर में विकार आता है, इसमें वाणी में विकार आता है। इसलिए किसी से भी, शरीर हो, मन से, किसी से भी आपको झूठ सच करना, किसी को हर्ट करना अपनी बोली से, ये नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन क्या, किसी भी दिन झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। किसी भी प्रकार की किसी की चीज़ अगर हम बिना पूछे ले लेते हैं तो वो चोरी करना ही मानी जाती है। ये पाप कर्म होता है और इसलिए एकादशी क्या, किसी भी दिन आपको चोरी जैसे पाप कर्म नहीं करने चाहिए। इसलिए इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन पति पत्नी को बिल्कुल करना चाहिए। इस दिन शारीरिक संबंध बनाने से यमराज का कठोर दंड भुगतना पड़ता है, घर का वातावरण खराब होता है, माता लक्ष्मी नाराज होती है और एकादशी पर स्त्री संग बिल्कुल वर्जित बताया गया है। इससे मन में विकार उत्पन्न होते हैं और ध्यान भगवान की शक्ति भक्ति में नहीं लगता, अतः एकादशी पर स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए। जो लोग भी जुआ खेलते हैं, नशा करते हैं, उनको बता दूं ये सभी सामाजिक बुराइयां हैं, क्योंकि इससे परिवार हो, कुटुंब हो, वो नष्ट हो जाता है। जिस स्थान पर भी ये गलत कार्य किया जाता है वहाँ पर अधर्म का राज होता है, ऐसे स्थान पर बुराइयाँ उत्पन्न होती है। इसलिए सिर्फ आज ही नहीं बल्कि कभी भी नशा हो, जुआ हो, ये सभी गलत काम से आपको परहेज करना चाहिए। सच्चे दिल से शिव का नशा कीजिए, विष्णु भगवान का नशा कीजिए। जब देवी देवताओं का एक बार आपको नशा हो जाएगा तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप करके देखिए अपने धर्म का नशा, अपनी अच्छाइयों का नशा। दोस्तों, हर प्रकार के नशे से आप अपने आप मुक्त हो जाएंगे। एकादशी का दिन या कोई भी बड़ी तिथि होती है उसमें दान का हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। जो दान करता है वो और बड़ा बनता है, इसलिए दान ज़रूर करें। इस दिन फलों का दान कर सकते हैं, अभी आम का सीज़न है, आम का दान कीजिए। घड़े का दान कर सकते हैं, छाते, जूते, चप्पल, इन चीज़ों का दान कीजिए। तिरपाल, कुछ लोगों के घर को ढकने के लिए तिरपाल का दान कीजिए। इससे मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, ग्रहों का दोष निवारण होता है और ज़रूरतमंदों की मदद करने से इंसान का, हमारा सबसे बड़ा धर्म तो है ही, लेकिन जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होता है, इससे मनुष्य को वैकुंठ धाम की भी प्राप्ति होती है। जो भी इस प्रकार से सच्चे मन से इस व्रत को रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती है और मनुष्य के पापों का नाश होता है। देवशयनी एकादशी के बारे में धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं श्री कृष्ण भगवान से, हे केशव, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इस व्रत के करने का विधान क्या है? किस देवता का इस तिथि को पूजन किया जाता है? तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे नारद, तुमने कलियुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत समस्त व्रतों में उत्तम माना गया है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट होते हैं और जो भी मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वो नरक को जाते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा प्राप्त होती है और इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी है। इसको देवशयनी एकादशी, विष्णुशयनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी, हरिशयनी एकादशी आदि नामों से भी जाना जाता है। अब मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। सूर्यवंश में मांधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ करता था, जो कि सत्यवादी और महान प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन बहुत अच्छी तरह करता था और उसकी समस्त प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा था। एक समय राजा ने राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण परेशान हो गई। अन्न के ना होने से राज्य में यज्ञ आदि कार्य भी बंद हो गए और एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी, हे राजा, सारी प्रजा त्राहिमाम कर रही है, क्योंकि समस्त विश्व का अस्तित्व वर्षा से ही है। वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे प्रजा की तकलीफ दूर हो। राजा मांधाता ने कहा कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न पैदा होता है और आप लोग वर्षा न होने से बहुत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों की तकलीफों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ प्रस्थान कर गए। वहां अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते करते अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां राजा ने अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा।
राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में भयानक अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा बहुत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को बहुत तकलीफ हो रही है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जब मैं धर्म के अनुसार राज करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण मुझको अभी तक नहीं पता चल चुका। अब मैं आपके पास इसी संदेह को जानने के लिए आया हूँ। कृपा करके आप मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उत्तम और कारगर उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण शामिल हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सर्वाधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है और ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रखते हैं। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है और इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है, अकाल पड़ रहा है। इसलिए यदि आप प्रजा का और राज्य का भला चाहते हैं तो शूद्र का वध कर दीजिए। इस पर राजा ने कहा, महाराज, मैं उस निर अपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय मुझे बताइए। तब ऋषि ने कहा, हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो और व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में उत्तम वर्षा होगी, समस्त प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत समस्त सिद्धियों को देने वाला है और समस्त कष्टों का नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक और मंत्री सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आए, विधि पूर्वक अपने प्रजा के साथ, मंत्रियों के साथ व्रत को किया, पद्मा एकादशी के व्रत को किया और इस व्रत के प्रभाव से राज्य में उत्तम वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। इसलिए इस माह की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को जरूर करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को प्रदान करने वाला है। इस कथा को जो भी मनुष्य पढ़ते हैं, श्रद्धा भक्ति से सुनते हैं, उस मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है और इस प्रकार ये देवशयनी एकादशी बहुत ही खास होती है। आज कथा संपूर्ण होती है। आप सब भी अपने परिवार वालों को, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इस कथा को ज़रूर सुने सुनाएं। और देखा जाए तो बहुत ही साइंटिफिक व्रत है, वैज्ञानिक कारण भी है इस व्रत के, तो आप सब भी कीजिए। नहीं भी किया है तो कम से कम आज के दिन अच्छे सात्विक आचरण का पालन कीजिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इसे शेयर ज़रूर करें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। छह माता दी बम बम भोलेनाथ की। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। चातुर्मास का प्रारंभ हो गया है आज से। आगे मैं आपको बताऊंगी कि चातुर्मास के दिन क्या किया जाता है, क्या नहीं करना चाहिए, क्यों हम चातुर्मास का पालन करते हैं, तो जो भी सुनना चाहते हैं वो ज़रूर कनेक्टेड रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। छह माता दी बम बम भोलेनाथ की।